जब हम नशा कर रहे थे तो हमने अपना काम चलाने के लिए वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। हमने अपनी दुनिया को नियंत्रण में लाने के लिए हर योजना का इस्तेमाल किया। जब हमने जो करना चाहा वो हमें ज़्यादा शक्तिशाली और अजेय लगा तो हमने वो काम नहीं किया। हमारा नशा हमें असुरक्षित महसूस करा रहा था, लेकिन इसने हमें रोका नहीं। ये केवल हमारे आसपास में हमारे जीवन को नियंत्रित करने और हेरफेर करने के लिए और अधिक प्रयासों का कारण बना। योजना बनाना हमारी शक्तिहीनता को नकारने का हमारा तरीका था। जब तक हम अपनी योजनाओं से खुद को विचलित कर सकते हैं, तब तक हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हम नियंत्रण से बाहर हैं। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हमारा जीवन असहनीय हो गया था और दुनिया में सभी शंकालु और जोड़ तोड़ करने वाले लोग हमारे जीवन में वापसी करने को तैयार नहीं थे। जब हम अपने जीवन की शक्तिहीनता को स्वीकार करते हैं तो हम बेहतर जीवन के लिए अपने तरीकों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम आत्मसमर्पण करते हैं। अपनी खुद की पर्याप्त शक्ति को खोकर हम अपने आप से एक बड़ी शक्ति चाहते हैं। हमें समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम उस शक्ति को अपनी इच्छा और हमारे जीवन की देखभाल करने के लिए कहते हैं। हम दूसरों की रिकवरी में पूछते हैं कि आपने स्वयं के जीवन को हम दूसरों की रिकवरी में पूछते हैं कि आपने स्वयं के जीवन की रिकवरी के लिए क्या कोशिशें की और अपने जीवन को साझा करते हैं। हम जो शक्ति और दिशा चाहते हैं वो हमारे चारों ओर है। हमें इसे खोजने के लिए केवल स्वयं से दूर होने की आवश्यकता है। सिर्फ आज के दिन मैं एक अच्छे जीवन के लिए अपने तरीके से योजना बनाना और सच झूठ को बदलने की कोशिश करूँगा। मैं ईश्वर के सामने खुद का आत्मसमर्पण कर दूँगा।